आज भी बंदूक के नोक में जो है वहाँ जंगल के कटाई होते भाई। 700 करोड़ रिजर्व है कोरबा जिला में DMF फंड के, ओकर मिस यूज करे है भाई। अगर छत्तीसगढ़ के जनता हमन ला मौका देते तो हमन सबसे पहली जो है शिक्षा में काम करबो, ओकर बाद रोजगार में काम करबो। हम चाहबो कि जितना भी छत्तीसगढ़िया भाई बहनी दादा दीदी सब जुड़ा है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से और एक मजबूत ताकत बन के छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प के रूप में जो है इला स्थापित करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात को लेकर हम लगातार जनता तक पहुंच कर रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कितना विधायक खरा उतर पाए हैं और उन मुद्दों पर क्या कुछ लोगों का नज़रिया है, जनप्रतिनिधियों का नज़रिया है, ये समझने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त मौजूद है ऊर्जा धानी कोरबा में, जहाँ पर कोरबा विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और जनता क्या सोचती है लगातार वोकल टीवी बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया वाद के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए बेहद काम किया है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस काम काज की जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, उस काम पर लगातार काम करने वाले एक ऐसे पार्टी का जन्म होने जा रहा है जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की और कोरबा विधानसभा की बात हो या फिर प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की बात हो, अब वो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोरबा विधानसभा क्षेत्र में दिलीप मिरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। दिलीप मिरी जी, पहली तो छत्तीसगढ़ी में गोटियाँ, हाँ मैं पूरा हिंदी में हो गया पूरा वर्णन है। पहली तो वोकल टीवी में आप मन के जय जोहार है। जोहार छत्तीसगढ़। आप जब मो दर्शक ला बहुत बहुत धन्यवाद। नवा पार्टी बनाए हैं और छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के बात होते ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो लगातार बातचीत चलत रही से तो कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुसीबत बन के आए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। चूँकि अभी पार्टी के गठन नहीं हुए हैं, वो अभी प्रक्रियाधीन है वह, और निश्चित ही भूपेश बघेल जो एक कमिटमेंट करके आ रही से वह छत्तीसगढ़िया जनता ला, छत्तीसगढ़ के जनता ला कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था करबो, यहाँ जंगल के कटाई नहीं होने देन और यहाँ जो है पलायन की स्थिति ना हो, ऐसे तमाम मुद्दा लेके जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बनाईस और आज जो है बहुमत पाए के बाद जो है मनमानी शुरू कर दे हुए, जिला देख तिला जो है फर्जी FIR में जेल भेज देना, ओकर बाद हसदेव जंगल के जो बड़े मामला है, जिला जो है भारत के लंग्स कहा जाते हैं, मतलब पूरा जंगल से घिरे हुए जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलते, वो जंगल के अंधाधुंध कटाई अडानी कोल माइंस के द्वारा किया जाते जेकर विरोध लगातार वो क्षेत्र के जनता कर रहे थे भाई, और आज भी बंदूक के नोक में जो है वहाँ जंगल के कटाई होते भाई। एकर से समझे जा सका थे भाई कि मुख्यमंत्री का कर रहे थे भाई, यहाँ के जितना भी संसाधन है एला लूट के जो है बाहर राज्य में भेजे के जो बुता कर रहे थे भाई, यही मुख्यमंत्री कर रहे थे भाई। केवल जो है मुखौटा छत्तीसगढ़िया के है लेकिन काम टोटल जो है परदेसिया के करते हैं भाई। आने वाला 2023 के जो विधानसभा है, विधानसभा चुनाव में चूँकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना घोषणा कर चुके हैं कि हमन 90 विधानसभा में जो है अपन उम्मीदवार ला उतारबो, चूँकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है और वो यथावत वैसी रही हमार सामाजिक संगठन है, वो है ओमा कोई बदलाव नहीं हुए। वीर जी, सबसे पहले ये बात करते हैं, चल चलत बात करो, खबर कि अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना घलो राजनीति के रद्दा में चले के शुरुआत कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन बनाए के घोषणा अपन के जो प्रदेश अध्यक्ष है, चल चलत थोड़ा बात कर लेते हैं, अमित बघेल है वो ऐलान कर रहे हैं अभी, कैसे देखा तो राजनीति के रद्दा में चले में थोड़ा तकलीफ नहीं, खबर कि सामाजिक संगठन आज तक आप समझा रहे छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार रीति परंपरा आप लोग मन समझा रहे हो, छत्तीसगढ़िया वाद के जो धमा खोला जगा रहे हो, अब कैसे रही रद्दा आप? निश्चित ही आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विगत 10 साल से जो बूता करत है भाई, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के जो भाषा है, जो हमारे संस्कृति है, जितना भी हमारे तीज त्यौहार है, चाहे हरेली हो चाहे भोजली हो और तमाम तरह के जो त्यौहार है भाई, इला ऊपर उठाए के जो काम और छत्तीसगढ़िया मन के मन में और छत्तीसगढ़िया मन के जो
स्वाभिमान है ओला जगाए के बूता निश्चित ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करत है। कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में आए के बाद हमर कॉपी करत है। हमन जो 10 साल से करत आथन वही अपन सरकार के बदौलत करत है भाई, लेकिन केवल दिखावा है वह। काबर जब हक अधिकार के बात होते तो राज्यसभा टिकट देख लो आप, राज्यसभा के जो 5 सीट जो छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व है ओमा एक टिकट जो है बिहार के ला, एक टिकट जो है उत्तर प्रदेश के ला और एक टिकट पंजाब के ला मिलते। का छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया वो पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या नेता में दम नहीं है कि वह राज्यसभा सांसद बन सके। लेकिन भूपेश बघेल जो है ये केंद्र से चला थे, जो राहुल गांधी है जो सोनिया गांधी है एमन के निर्देश के पालन करते हुए एमन पूरा प्रदेश में जो है लूट मचाए हुए है भाई। मैं बताएं अभी हसदेव वाला मामला और आपन अभी भी देखा तो कोरबा जिला में जो अवैध रूप से राखड़ पाटे के मामला, साथ ही जो कोयला चोरी के जो मामला है ये दिनों दिन बढ़त जात है भाई, डीजल चोरी के मामला है और अभी आप मन देखे हुई है कि ईडी जो है कार्रवाई करे है भाई। एक से समझे जा सका थे कि ये जो भ्रष्टाचार है, कोरबा जिला में रह चुके पूर्व जो आईएस है रानू साहू जी वो आज जो है ईडी के कस्टडी में है, ओकर ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप है भाई। कोरबा जिला में रहते हुए वो हर डीएमएफ फंड के मिसयूज करे है भाई, 700 करोड़ रिजर्व है कोरबा जिला में डीएमएफ फंड के, ओकर मिसयूज करे है भाई और भ्रष्टाचार करते हुए अपन जेब भरे है भाई। ते पाए के जो है आज ईडी ओला गिरफ्त करे है भाई और ओला अपन रिमांड में ले है और निश्चित ही कल ओला जेल दाखिल करी। ओकर अलावा शराब के मामला है, राज्य सरकार जो है विपक्ष में रही से तो गंगा जल ऐसे हाथ में रख के कसम खा रही से कि मैं हमन जब सरकार में आबो सत्ता में आबो तो शराब ला पूरी तरह बंद कर देबो। अब का हाथ है भाई कि हम शराब पीने वाला के सर्वे करबो, एकाएक नहीं बंद कर सकना। तो ये का सर्वे पहले नहीं करा सकत रही से, जब हमन चुनावी सर्वे करा सकते भाई तो एक सर्वे भी करा लो, लेकिन केवल और केवल दिखावा है मुख्यमंत्री के। और वास्तविक धरातल में जो है एमन एक भी ऐसे योजना बता दो जो बड़े योजना है, चाहे शिक्षा के बात कर लो, आज आत्मनिर्भर स्कूल खुले हैं भाई, आत्मनंद में आप देख लो वहाँ की लिस्ट उठा के देख लो कि कितना छत्तीसगढ़िया लड़का मल्ला पढ़ाते हैं कितना बाहरी मल्ला और कितना एलिजिबल जो वास्तविक जो पात्र है ओ मल्ला, भारी भ्रष्टाचार होते। और शिक्षा में जो अनियमितता है, यहाँ बुक के रेट देख लो, एडमिशन के रेट देख लो राज्य में, तो ये व्यवस्था शिक्षा हमन के मूल तत्व है वो हमार बेसिक है वह, जब शिक्षा ही आपके कमज़ोर रही तो आगे भविष्य। मैम तो चाहते हैं कि पूरे सरकार के जितना सरकारी स्कूल है ओला इंग्लिश मीडियम करो, मातृभाषा में पढ़ाई हो, छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ तक कि जब 2007 में जब छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा के दर्जा मिल चुके है भाई तो आज हमार भाषा काबर उपेक्षित होते भाई। एला भूपेश बघेल ला समझना चाहिए, सोचना चाहिए जब अपन आपला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बोलते तब। आप में लगातार हर एक बाद में सरकार लगे रहते हो, भूपेश सरकार लगे रहते हो, तो इसे में कैसे बनी काबर की लगातार आप मन कहा तो कि हमार जो काम काज है ओला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनाई से, ये जो तीज तिहार होकर बात है सरकार लगातार तीज तिहार में छुट्टी गलो दी से लगातार हर एक काम करते छत्तीसगढ़िया के। लेकिन आप मन जैसे कहा तो आप मन के सरकार बने के बाद आप मन के अगर मान लो जाए आप मतलब मौका दे थे छत्तीसगढ़ के लोगन मन हाँ तो कैसे ढंग से आप मन के रीति नीति रही। हमार सरकार अगर छत्तीसगढ़ के जनता हमारे मौका दे थे तो हमन सबसे पहली जो है शिक्षा में काम करबो, ओकर बाद रोजगार में काम करबो, रोजगार के बाद जो है जो पलायन की स्थिति होते वह पूरा प्रदेश में हम चाहबो कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर के जो व्यवस्था है ओला सुनिश्चित करबो और बेहतर ढंग से हम विकसित करबो। आज बहुत सारा महिला जो समूह है वह ओमला उद्योग खोले बर मशीन तो दे थे, लेकिन वो भी वो क्या बोलते खराब मशीन दे थे और ओकर किस्ती पटाते आज ओमन और ओमन अपन उद्योग भी संचालित नहीं कर पाते। तो इस टाइप के जो भ्रष्टाचार है इला लगाम लगाए पर जो है हम इला बुता करबो सरकार में आए के बाद। कैसे ढंग से देखा तो वही अगर बेरा में चुनाव घले है 90 विधानसभा सीट है और पहली दारी है तो इसे में मुश्किल नहीं लगे थे।
नहीं, ये जो हमन जो बूता करत हेवन एवं पूरा प्रदेश के जनता हमारे साथ हेवे, और खासकर जो वनांचल क्षेत्र में आज हमार संयुक्त रूप से सर्व आदिवासी समाज के साथ जितना भी बूता करत हेवन, चाहे वो हसदो जंगल के कटाई के विरोध हो, चाहे वो तुई गोंदी वाला मामला हो, एमा जितना भी छत्तीसगढ़िया उपेक्षित है और जितना भी प्रताड़ित है वो हमारे साथ जुड़ा थे वह, और आगे मिल के 2023 के कल्पना करा थे। बात कर वो कोरबा का, कोरबा में कितना मजबूत है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, का का बूता करे जेकर माध्यम से लोगन मन से आप मन के पहचान बने, आप मन के बूता ला देखे, संगे संग ये भी है कि कतका छाप छोड़े छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कोरबा में। निश्चित ही अपन न्यूज़पेपर और पत्राचार के माध्यम से देख ही सकत हो कि कोरबा जिला जो है एक ऊर्जाधानी के नाम से जानते हैं, काबर यहाँ पूरा पावर प्लांट है और कोयला के जो सबसे बड़े एशिया के सबसे बड़े कोयला खदान है वो कोरबा में है। तो यहाँ रोजगार के जो व्यवस्था होना चाहिए छत्तीसगढ़िया मल्ला एकर से पहले नहीं रही सिवाय, जब से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा में जब अस्तित्व में है कोरबा जिला में, और बाद से यहाँ के वर्कर मल्ला जो कंपनी मन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मन 12-12 घंटा लेते रही से उमन के काम ला, उमन ला मन 8 घंटा कराए हैं, ओकर अलावा उमन के जो मजदूरी दर है वो बहुत कम रही से वह निर्धारित दर से जस्ट आधा रही से वह ओला हम ओला पूरा करवा है सरकार के जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से। साथ ही आप मतलब पता हुई कि ये क्षेत्र जो है कोरबा जिला 5वीं अनुसूची में है, ये पूरी तरह जिला जो है अनुसूचित जिला कहलाते, और यहाँ बहुताय समाज जो है आदिवासी समाज है, जितना भी पंचायत जो है पेशा कानून के तहत पंचायत में जितना भी सीट जो है वो आदिवासी के रहते, लेकिन दीपका क्षेत्र में आप मतलब पता हुई कि एक कंपनी है एसीबी कंपनी, वो यहाँ के लोकल आदिवासी मन के 1000 से ऊपर जमीन ला फर्जीवाड़ा करके अपन व्यवसायीकरण करते हुए, और साथ ही रेल कॉरिडोर में जो है 40 करोड़ से ऊपर के मुआवजा ले है, ये भ्रष्टाचार ला उजागर करे काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करे है। कद का आंकड़ा रही अगर चुनाव में आप मन उतरा था पहली दफा रे आंकड़ा किसान देखो तो काबर की ये कहा थे कि अगर छत्तीसगढ़िया वोटर ला आप मन टारगेट करते हो तो शहर में गलो 40% आसपास छत्तीसगढ़िया वोटर हो बाकी गाँव की स्थिति है कद का तो बोले आप मन देखा था। निश्चित ही सरकार के जो गलत नीति है वह, और कोरबा जिला में खासकर जो अव्यवस्था है आप मन देख सकते हो, जो यहाँ के प्रदूषण के सबसे ज़्यादा बड़े मुद्दा है वह, ये मुद्दा लेके हम जनता करने जाबो, साथ ही रोजगार के मुद्दा है, यहाँ बहुत सारी कंपनी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर राज्य के आदमी ला नौकरी देते हुए लेकिन लोकल यहाँ के आदमी मन ला उपेक्षित करते हुए, तो ऐसे तमाम चाहे शिक्षा के बात हो, यहाँ चूँकि शहरीकरण के वजह से यहाँ के जितना भी प्राइवेट स्कूल है एमा मनमानी करा थे वह, अनाप शनाप ओमन के फीस लेते हुए एला भी रोक लगा, मतलब पूरी तरह हमन जब सत्ता में आबो तो हम हर वो व्यवस्था देबो जेमा गरीब आदमी जो मतलब अछूता है वह, जेमन पढ़ाई नहीं करवा पाते अपन लड़का मतलब ओमन की बेहतर शिक्षा के लिए ओमन के रोजगार के लिए ये निर्णय लेबो हमन। केंद्र सरकार की योजना किसी यहाँ पर फलीभूत है खबर की लगातार करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलते हैं, तो जैसे अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहा थे कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करते थे, तो आप मन के सरकार में किस ढंग से सहयोग हुई? निश्चित ही जब केंद्र सरकार के सहयोग की बात आते तो सबसे बड़े मुद्दा आते किसान के, किसान के जो धान के समर्थन मूल्य के जो बात आते तो किसान तो उगाते धान, लेकिन उमन के जो वास्तव में अभी एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल रखे हुए हैं दाऊ जी, हाँ आप बोला बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, ये केवल कमिटमेंट करते हुए, साथ ही जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य में जो है केंद्र सरकार जो पैसा भेजते उमा से 500 से 700 बढ़ा के वोला देते हुए, अब बोला पैसा ला कैसे देते हुए, वो पैसा भी तो यहीं के ना हमारे टैक्स के पैसे है, वहाँ तो कहीं ना कहीं पूरे एक छत्तीसगढ़िया जनता कुछ ना कुछ खरीदा थे वह, अगर कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट ला टैक्स के रूप में जाते है, सेंट्रल गवर्नमेंट ला टैक्स के रूप में जाते वह, तो ये जो पैसा है वह ये पैसा रिटर्न होके हम ही मन मिला थे, लेकिन जो मिलना चाहिए किसान मन ला उमन के जो मजदूरी दर है वो नहीं मिल पाते, सब्जी के जो रेट है वह वो रेट सही नहीं मिल पाते, आज जनता इतना त्रस्त हो चुके है वह कि टमाटर ला 150 रुपये में खरीदे पर पड़ा थे वह, तो निश्चित ही किसान ला हमन बेहतर एक समर्थन मूल्य के रूप में घोषणा करबो, वो जब हमार
पार्टी के जो घोषणा हुई वहाँ हम घोषणा पत्र में सबला शामिल करबो। जात लोगन में का कुछ अपील करना चाहोगे छत्तीसगढ़ क्रांति सर? जैसे हर एक दल में होते कि कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता में का कुछ अपील करना चाहो? निश्चित है हमला परदेसिया के वोट नहीं चाहिए, स्पष्ट हमार कहना है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया जनता जाग जाही, ओकर हक अधिकार ला वो समझ जाही, ओमन के रोजी रोजगार हर व्यवस्था ला वो समझ जाही, तो जे दिन जाग जाही ओमन तो छत्तीसगढ़िया वादी सरकार बनी और छत्तीसगढ़िया वादी सरकार बने के बाद ओमन के हक अधिकार होमा पूरा होई। हम चाहबो कि जितना भी छत्तीसगढ़िया भाई बहनी दादा दीदी सब जुड़ा है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से और एक मजबूत ताकत बन के छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प के रूप में जो है इला स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करे पर और सार गर्भित बात करे हो लोगन मन सुनी से और समझी से का कुछ यहाँ के जो समस्या है वो समस्या ला छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कैसे ढंग से काम करते हैं? पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आपन देख सकते हो कि लगातार संगठन विस्तार होते हुए और हमार कोरबा जिला में जितना भी खड़ है वह चूँकि हमन ब्लॉक ला खड़ बोलथन तो खड़ है वह खड़ के पूरा विस्तार हो गए है। पार जिला हमन जो बूथ स्तर है वह ओला हमन पार बोलथन तो ये पूरा हमन लगभग लगभग चारों विधानसभा में हमन पूरा डोर टू डोर पार तक पहुंच चुके हैं वन और अगर कुछ बचे हुए हैं ओला हमन आने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले हमन पहुंच जाबो। ये समर्थन दिलीप मेरी जगह से बातचीत करें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से और कैसे ढंग से कोरबा विधानसभा क्षेत्र का कुछ समस्या है वो समस्या लेके वोकल टीवी से बातचीत करी से और बताई से कि ओकर का कुछ प्लानिंग है कोरबा विधानसभा लेके कद का मजबूत है और आने वाले समय में कोरबा में कैसे ढंग से चुनावी समीकरण रही और छत्तीसगढ़ क्रांति सेनाओं में कितना इम्पैक्ट डाली ये सब विषय में खुल के बात रखी से हमारी छन्नू सिन्हा के साथ टिकेश वर्मा वोकल टीवी कोरबा छत्तीसगढ़।